डॉक्टर, इतनी अच्छी स्टाफ, इतना सो गुड, इतनी बड़े बड़े फाइब्रॉइड, अरे बाबा रे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। हाँ। अरे मैंने तो इतनी तारीफ की आपकी, पता है मैंने आपकी इतनी 15-20 लेडीज को बोला है पर्सनली कि किसी को भी जाना हो आप मीच के जा सकते हो। डॉक्टर, इतनी अच्छी स्टाफ, इतना सो गुड, बहुत अच्छा स्टाफ, और आपके लिए यू आर ट्रू एंजल ऑन दिस अर्थ, रियली रियली। इतनी सारी बीमारी पाल रखी थी अंदर, पता ही नहीं चला। इतना एंडोमेट्रियोसिस, इतना सारी आंतें चिपकी हुई, पूरा यूरिटर चिपका हुआ, पूरा ब्लैडर चिपका हुआ, इतनी बड़े बड़े फाइब्रॉइड, अरे बाबा। सोनोग्राफी में तो एक या दो बता रखे थे ना, दो आ रहे थे, अनगिनत फाइब्रॉइड थे, अनगिनत, गिन भी नहीं पा रहे थे, और इतने बड़े बड़े, कोई इधर फंसा हुआ, कोई इधर फंसा हुआ, कोई इधर फंसा हुआ है, हॉरिबल केस था। अब सब कुछ निकाला है, निकल गया ना। हाँ, सब कुछ निकाल दिया, बढ़िया। एक आपके वर्ड्स, मतलब उसने मुझे बहुत वो किया, नो डाउट मैं बहुत मॉरली डाउन थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, मतलब, पर आपकी जो वर्ड्स थे ना वो मुझे आपके यहाँ आने को वो किए कि नहीं यहाँ से जाओगे तब आप बिल्कुल सही होके जाओगे। तभी बताओ हमारे वर्ड्स में कहीं कमी नहीं। नहीं, कैसा फील कर रहे हो आज? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी जो नीचे कंजेस्टेड भारीपन जो लगता था वो शायद मुझे लग रहा है कि अब नहीं लग रहा होगा, खाली हो गया सिस्टम, बीमारी निकल गई। पर नीचे मुझे बहुत भारीपन लग रहा था इन दिनों, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है अब, लेकिन वो फ्री लग रहा होगा, फ्री लग रहा है अब, समझ में आ गया बीमारी के कारण। बीमारी कारण था। एक और मुझे पूछ रहा था कि ये फाइब्रॉइड जिसे अब सबको निकल गया, तो फाइब्रॉइड नहीं होते ना? नहीं, अब नहीं होंगे, फाइब्रॉइड भी नहीं होंगे, एंडोमेट्रियोसिस भी नहीं होगा। और फिर मुझे आपके रूटीन चेकअप के लिए आना होगा? हाँ, एक बार 7 से 10 दिन के बीच में आना, एक बार 15 दिन के आना, और फिर बाद में आते रहना होगा? नहीं, सच नहीं, फिर भी 3-6 महीने में एक बार दिखा लो तो बेटर रहता है। अच्छा अच्छा, हमसे मुलाकात हो जाती है ना। हाँ, तो मैं वैसे भी मुलाकात, नहीं तो आप हमें भूल जाओगे। नहीं, 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 आप भूलने लायक नहीं हो, एक ट्रस्ट जनरेट होता है। और अपनी गायने से रिलेटेड प्रॉब्लम हर लेडी को रहती है, पर है ना डॉक्टर सही नहीं मिलते, हम नाम के पीछे भागते हैं। और एक मुझे आपका सेंटेंस हमेशा याद आएगा, यू ऑलवेज बिहेव लाइक ए फ्रेंड, और वो सबसे अच्छा होता है कि है ना, आप एक दोस्त की तरह आप पेशेंट से होगे ना, तो यू जनरेट ट्रस्ट, ट्रस्ट and like bondage. Then the patient or the person, like, आज वो बीमार इसलिए आज उसको patient बोल रहा है, तो इंसान ही ना, finally, कल हम भी patient हो सकते हैं, आज हम doctor है, लेकिन आज मुझे बीमारी हुई तो मैं भी patient बन जाऊंगी, exactly. लेकिन then I am already, I also expect यार सामने वाला बंदा मेरे से, मेरे level से बराबर से बात करे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक से समझाए, ठीक से, हो सकता है कि मुझे मेरी स्पेशलिटी का पता, लेकिन दूसरी स्पेशलिटी में इतनी मास्टर, तो मैं आपके जैसे लेमेन जैसे क्वेश्चन करूंगी। हाँ, अब आपने वो आपकी मेडिकल टर्म बता दी, वो आई डोंट नो, आई एम लेमैन, तो मुझे नहीं पता कि आपकी वो टर्म्स क्या है, अब उससे आप मुझे डरा दो तो मेरा आने की हिम्मत ही नहीं होगी आपके पास, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन डरना हमेशा बीमारी से चाहिए, एक मैं हमेशा सबको एक बात बताती हूँ कि डरना बीमारी से चाहिए, इलाज करने वाले से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, जैसे वो डांट लगे तो भी आपका इलाज ही कर रहा है फाइनली। वो बात आपकी सही है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट बीमारी को कोई निकालने वाला तो मिल रहा है। रियलाइजेशन ये देखो कि आपका कल, हमने 7 बजे ऑपरेशन फिनिश करके आपको शिफ्ट किया है, हाँ। और ये 10 o'clock अभी, हाँ। फिक्स, हाँ। और आप कितने बजे से उठ के घूम रहे हो? मैं तो सुबह 5-6 बजे ही उठ रही हूं। तो रिकवरी टाइम आप देखो कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, 7 बजे आउट होने के बाद में आप 5 बजे अगर उठ के घूम रहे हो तो इट इज हार्डली 5 and 5, 10 hours। बिल्कुल बिल्कुल, सो 10 to 12 hours में आप, यू आर वॉकिंग, टेकिंग ओरली, रोमिंग अराउंड, देन यू आर नॉट फीलिंग एनी डिस्टर्बेंस। आगे की लाइफ में मैं क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं? भूल जाओ ऑपरेशन कराया है तो, कुछ लोग कह रहे हैं कि झुकना नहीं, बैठना नहीं, झुक सकते हो, सीढ़ी उतर चढ़ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हो, पूरा पेट भर के खाना खा सकते हो, दलिया खिचड़ी नहीं खाना। अच्छा, लोग कह रहे हैं दलिया खिचड़ी खाना है, तभी तो हम बोल रहे हैं नहीं, पपाया और केला खाना है, पपाया केला आप खा सकते हैं, लेकिन पपाया अति में नहीं खाना, क्योंकि बहुत से पेशेंट हमने एडमिट किए जो पपाया खा करके उल्टियां करके आए। अच्छा, तो नॉर्मल एक लिमिट का, जैसे एक कटोरी खा ली, एक कप खा लिया, जो सब आज मुझे क्या लेना है, अभी अभी आप हल्का कुछ ले लीजिए, खिचड़ी कुछ ले लीजिए, दही और खिचड़ी ले लीजिए, दही केला ले सकते हैं, दही खिचड़ी ले लीजिए, दही जरूर खाना है रोज, ठीक है, और खट्टे फल और सब्जियां जरूर खानी है, क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है जो हीलिंग फास्ट करता है। ओके ओके,
अच्छा एक और बात पूछनी थी, जैसे इसके बाद हार्मोन कहते हैं हाँ, कम होंगे, हम रिप्लेसमेंट देंगे आपको। अच्छा तो मतलब 3-6 महीने रिप्लेसमेंट देंगे, क्योंकि आपकी ओवरीज भी निकली है ना, क्योंकि ओवरीज खराब हो गई थी, उनमें एंडोमेट्रियोसिस था, अगर छोड़ते तो बीमारी दोबारा रिकवर हो जाती है, इसलिए तो अभी हम आगे तक आपको अगले 1 साल के लिए रिप्लेसमेंट देंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। देंगे आपको। अच्छा तो मतलब 3-6 महीने रिप्लेसमेंट देंगे, क्योंकि आपकी ओवरीज भी निकली है ना, क्योंकि ओवरीज खराब हो गई थी, उनमें एंडोमेट्रियोसिस था, अगर छोड़ते तो बीमारी दोबारा रिकवर हो जाती है, इसलिए तो अभी हम आगे तक आपको अगले 1 साल के लिए रिप्लेसमेंट देंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाएगी।